लेखा अधिकारी एस के मीणा अपने ऑफिस से रहते हैं नदारद, करते हैं अपने मनमर्जी के कार्य। इसी बात से नाराज ठेकेदारों ने जिला प्रशासन से अधिकारी की शिकायत। आपको बता दें कि ये पूरा मामला पीएचई विभाग के लेखा अधिकारी एस के मीणा से जुड़ा हुआ है। इस अधिकारी के लापरवाही के चलते न केवल किसान बल्कि ठेकेदार और आला अधिकारी भी बहुत परेशान है। ये महान अधिकारी ना तो ऑफिस आते हैं, ना ही किसी का फोन उठाते हैं। जो मन करता है वही करते हैं, बस दिन रात शराब के नशे में झूमते रहते हैं। बहरहाल इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन सोमायरा न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो में गाना गाते झूमते हुए नजर आ रहे ये अधिकारी सोशल मीडिया पर बहुत छाए हुए हैं। पीएचई विभाग के आला मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस आर सोन कुसरे भी इनके काम करने के अंदाज से काफी परेशान हैं। जी आपको बता दें कि देव भोग का भुगतान इस अधिकारी के द्वारा होना था, पर ये अधिकारी कभी ऑफिस आते ही नहीं, जिससे परेशान होकर समस्त ठेकेदार और किसानों ने मिलकर इनकी शिकायत कलेक्टर से कर दी। अब देखना ये है कि जब यह मामला मीडिया तक पहुंचा है इसके बाद जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं या नहीं। जी आपका शुभ नाम? तरुण राय। अच्छा आपने जो यहाँ अधिकारी को ज्ञापन दिया है किस संबंध में, क्या जानकारी है? डीए साहब के खिलाफ हम लोग दिए हैं। डीए साहब विगत डेढ़ वर्षों से ऐसे ही नाटक करते हैं, कोई ना कोई समस्या उत्पन्न करते हैं, हमारा भुगतान विलंब होता है जिससे हम लोग काम करने में बहुत दिक्कत होती है। एजी को की है, ईएनसी को की है, कार्यपालन अभियंता, कलेक्टर साहब, विधायक महोदय, सभी को किए हैं हम लोग। सोशल मीडिया में कुछ वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जो अधिकारी है, जो भ्रष्ट अधिकारी है, वो शराब का सेवन कर रहे हैं और कई ठेकेदारों को उसमें जो है कि वो टिप्पणी कर रहे हैं, इस संबंध में क्या जानकारी है? लेकिन हम लोग भी सोशल मीडिया पे देखे कि वो दारू पीते हुए दिख रहे हैं, गाना गाते हुए दिख रहे हैं। पिछले 15-20 दिनों से वो ऑफिस में आ रहे नहीं है। हमारे संभागीय लेखा अधिकारी जो हैं उनके पास एमबी बोलते हैं, एमबी ला दो हम कर देंगे, एमबी ले जाओ तो बोलते हैं रख दो, सुबह देखूंगा, शाम के देखूंगा। और हमको क्या है कि वर्करों को पेमेंट करना है, छड़ सीमेंट गिट्टी वाले जो हैं मार्च के कारण हमारे पीछे पड़े हुए हैं, मजदूरों का भी पेमेंट बचा है हमारा, वही वर्कर हमारे मजदूरों का पेमेंट करना है, जिस कारण हमको बहुत आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशानी हो रही है। हम पिछले एक हफ्ते से हमारे अधिकारी को हम बोल रहे हैं तो बोले डीए से करवाइए, डीए यहाँ आने का नाम नहीं ले रहे हैं। अमित खान लिखता हूँ, राज बोरवेल मेरा। इस संबंध में कलेक्टर काकर को ठेकेदार के द्वारा लिखित शिकायत किया गया है कि देयों का भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके कारण से ठेकेदार मजदूर का भुगतान करने में परेशानी हो रही है। कई दिनों से एस के मीणा लेखाधिकारी इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। मेरे द्वारा लेखाधिकारी को सुझाव भी दिया गया है, पत्र भी लिखा गया है, उसके बावजूद भी इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। कलेक्टर महोदय ने पीडब्ल्यूडी ई के माध्यम से उनको सूचित किया था कि 28 तारीख को जाके कार्यालय में बैठ के देयों का निराकरण करें, किंतु लेखाधिकारी द्वारा 28 तारीख को शाम के 7 बजे तक नहीं आए थे, ना ही अभी आज दिनांक 29 को भी 1 बजे तक वो इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। बाकी ये बात सत्य है कि जो उनके चहेते ठेकेदार हैं उनके देयक को वो उनके पर्सनली बुलवाते हैं और कलवा लेते हैं, मतलब उनका निराकरण करवा देते हैं पिरोली में जाके या घर में जाके। लगभग कितने दिनों से वो ऑफिस में नहीं आ रहे हैं? ये ऑफिस में कम से कम 10 तारीख के बाद वो इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं, और इसके पहले भी वो अनियमित रूप से आते थे, कभी कभी आते थे, रोज आने का उनका कोई मतलब समय निश्चित नहीं था, और मतलब बुलाने पे फोन करने पे ही मतलब वो यहाँ पे आते हैं। कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी मिला है जिसमें वो कई ठेकेदारों को टिप्पणी भी कर रहे हैं शराब के नशे में और शराब का सेवन भी कर रहे हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? बाकी चर्चा में है कि ऐसा मतलब वीडियो वायरल हुआ है। ऐसे भ्रष्ट मतलब यदि वीडियो में यदि सही पाया जाता है तो उस पर मतलब जो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।